नमस्कार, स्वागत है आपका दी ग्लोब जामुन में। तो हाल ही में हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल गया। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जाहिर की है। सफ़ेद शेर के बाद, यानी कि सफ़ेद बाघ के बाद, मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में स्पेशल सुंदरजा आम के खास स्वाद और सुगंध की अब पूरी दुनिया दीवानी होगी। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, जिससे इसको वैश्विक पहचान मिलेगी। दरअसल रीवा में 237 किस्म के आम के बगीचे हैं। इसमें सबसे खास गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम है। रीवा के फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में आम और अमरूद पर रिसर्च की जाती है। फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया के वैज्ञानिक डॉक्टर टीके सिंह कुछ साल पहले सुंदरजा आम की जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। जेएनयू यूनिवर्सिटी जबलपुर के अधीन कृषि महाविद्यालय रीवा का फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया 32 हेक्टेयर में फैला है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का उपक्रम रहा है। रत्नागिरी के हापुस और उत्तर प्रदेश के दशहरी की तरह सुंदरजा आम रीवा जिले का स्पेशल आम है। इसका स्वाद आम की सभी किस्मों से बेहतर है। बताते हैं कि यह सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी पहचान विशिष्ट है। सुंदरजा आम को रीवा जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया गया है। यहाँ बता दें कि जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है या जिसे उस क्षेत्र की पहचान कहा जाता है, उसे दिया जाता है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे डीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं। सुंदरजा आम जो होता है ना, इसकी मिठास कोयल की मीठी वाणी से भी ज़्यादा मधुर होती है, जिसकी वजह से बाजारों में इसकी मांग भी काफ़ी रहती है। यह अपनी खासियत के चलते काफ़ी लोकप्रिय है और ये महंगे दामों में बिकता है। सुंदरजा के एक छोटे से पेड़ में 100 से 125 किलो की पैदावार हो जाती है और एक आम का वजन कम से कम 200 ग्राम होता है। सुंदरजा के पौधे राजघराने की देन है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, सभी जगह ये आम एक्सपोर्ट किया जाता है। 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि इस आम को, या फिर ये इकलौता आम है विश्व का जिसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं, पर ग्लोब जामुन इसकी पुष्टि नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दी ग्लोब जामुन।